माननीय उपराज्यपाल जो हैं वो इस समय दविंदर सिंह राणा जी के घर पहुंचे हैं और तस्वीरें जो हैं वो आपके समक्ष रखेंगे। आपको बता दें कि उनका काफिला जो है वो यहाँ इस समय जो है वो पहुंच चुका है और ये तस्वीरें आप इस समय जो है वो देख रहे हैं। डिवकॉम एसएसपी एसपी सब यहाँ पे मौजूद हैं और काफिला जो है वो यहाँ पे पहुंच चुका है। अंदर की तस्वीरें भी जो है वो आप तक जो है वो हम ज़रूर जो है वो साझी करेंगे। सुनील उसको बता दिया ट्रंप ने जीते का था। देख सकते हैं जी मनोज सिन्हा जी यहाँ पर पहुँच चुके हैं दविंदर सिंह राणा जी के घर पर। अफसोस कर नहीं देख सकते हैं तो इस समय आप देख सकते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी जो हैं वो अभी दविंदर सिंह राणा जी के घर के बाहर जो है वो निकले हैं और आपको बता दें कि दिवाली वाले दिन राणा साहब का जो था वो इंतकाल हुआ था और उसके बाद एक गम की लहर जो थी वो पूरे जम्मू कश्मीर में जो है वो देखने को मिली और उसके बाद आप देखेंगे अब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो हैं वो इनके घर पहुंचे थे। जो तस्वीरें थी वो आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। हालांकि गवर्नर साहब का भी जो था वो यही अमूमन तौर पे देखा जाता था कि दविंदर सिंह राणा जी के साथ उनकी जो थी वो बड़ी अच्छी जो थी वो दोस्ती देखने को मिलती थी। तमाम अफसरान जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और ये तस्वीरें आपको इस समय की जो है वो द न्यूज़ नाउ के माध्यम से जो है वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी जो हैं वो अभी अभी इनके घर यानी कि दविंदर सिंह राणा जी के घर से जो है वो निकले हैं और यहाँ पे पहुँचे, बातचीत करने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने बात नहीं की है क्योंकि एक गहरी दोस्ती जो थी वो मानी जाती थी कि दविंदर सिंह राणा जी के और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के बीच में, लेकिन बात करने की कोशिश की उन्होंने बात नहीं की है। बाकी जो तस्वीरें थी वो आपके समक्ष जो है वो रखने का प्रयास किया। आप इसी तरह से बने रहे द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।